हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और उसमें हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस के रिक्वायरमेंट के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, जब इससे पहले जो मैंने आपकी स्कूल में क्लास ली थी उसमें मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ बातें बताई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है ना, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानकारी दी थी। फिर मैंने आपको न्यूट्रिशन के मोड्स के बारे में बताया था कि दो तरह के मोड होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक मोड होता है और एक हेटरोट्रॉपिक मोड होता है। अब आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जो आपका ऑटोट्रॉपिक मोड है न्यूट्रिशन का, वो किस में पाया जाता है? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, पौधों में पाया जाता है। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के पाए जाने के कारण ही ये पौधे जो है वो ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। ठीक है, क्यों कहलाते हैं ऑटोट्रॉपिक? क्योंकि दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्लांट डू इट, और जो पौधे ये जो भोजन बनाते हैं वो किसकी मदद से बनाते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे जो है वो अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए उनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है? भाई फोटोसिंथेसिस, घर में खाना बनाते हैं तो उसके लिए आपको सामान चाहिए होता है, तभी तो खाना बनता है ना। उसी तरह से फोटोसिंथेसिस का काम करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो कच्चा माल चाहिए, उनमें हम लोग सनलाइट लेते हैं, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर शामिल करते हैं। ठीक है, आइए अब एक एक करके सभी रिक्वायरमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट की, सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश हो है तभी फोटोसिंथेसिस होगा, अगर सनलाइट नहीं है इसका मतलब क्या नाम है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फास्ट हो जाता है, जबकि ठंडियों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है थोड़ा सा धीमा हो जाता है। ठीक है, अब सनलाइट काम क्या करता है? सनलाइट इज़ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए बहुत ही ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स अब्सॉर्ब सनलाइट एंड इनिशिएट फोटोसिंथेसिस। अभी पौधों की पत्तियों में एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल क्या करता है, जो सूर्य की एनर्जी होती है यानी सोलर एनर्जी होती है उसको जो है अब्सॉर्ब करने का काम करता है, और ये अब्सॉर्ब करके क्या करता है, पत्तियों में ये एनर्जी जाती है और सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से फोटोसिंथेसिस को इनिशिएट करने का काम, बढ़ाने का काम सनलाइट करता है। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट होती है क्लोरोफिल। अगर पौधों की पत्तियाँ आपने देखी होंगी हरी होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो सूर्य की एनर्जी को अब्सॉर्ब कौन करेगा, है ना, इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दोगे तो यू माइट हैव सीन लीव्स ऑफ रेड, ब्राउन, येलो और पैचेस ऑफ कलर्स। ठीक है, पत्तियों पे आपको लाल, भूरे, पीले, ठीक है, और अलग अलग कलर के पैचेस दिखाई देंगे। ये जो कलर्ड लीव्स होते हैं आल्सो कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में भी भाग लेते हैं, क्योंकि इनमें भी क्या होता है, हिडन क्लोरोफिल छुपा रहता है पत्तियों में। आप सोचोगे हरी पत्ती होंगी तभी क्लोरोफिल होता है, नहीं, कभी कभी क्या होता है कुछ कलर की पत्तियाँ ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है क्लोरोफिल हाइड रहता है, छुपा रहता है, दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो उनमें भी क्या पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, अब जो तीसरी रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए वो है वाटर एंड मिनरल।
वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्बड बाई रूट्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर और मिनरल जो है वो पौधे जो है वो ज़मीन से जड़ों द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इसे जालम की मदद से पत्तियों के अलग अलग भागों में स्मॉल पाइप्स की मदद से जिसे जालम कहते हैं वो पौधों की पत्तियों तक पहुँचा दिया जाता है। फिर इन्हीं पानी का इस वाटर का और मिनरल का इस्तेमाल जो है वो भोजन बनाने में किया जाता है। तो ये तीन चार चीज़ें जो है सनलाइट क्लोरोफिल वाटर मिनरल ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए रिक्वायर्ड होता है, रॉ मटेरियल होते हैं। ठीक है, अब मटेरियल हमारे पास आ गया, अब क्या शुरू होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू होगी। आइए जानते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को भी। प्यारे बच्चों, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। मेरे बच्चों, फोटोसिंथेसिस भोजन को सिंथेसिस करने की, भोजन को बनाने की, ग्लूकोज को बनाने की एक प्रक्रिया है और ये जो प्रक्रिया होती है वो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होती है और पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में जो है इस भोजन का निर्माण करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। और सिंथेसिस होने की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। आइए इसको रिएक्शन के माध्यम से भी समझते हैं। फिर बच्चों, ये भोजन के बनने का फोटोसिंथेसिस के द्वारा एक केमिकल प्रोसेस यहाँ दिया गया है। देखिए, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन जल के 6 मॉलिक्यूल, ठीक है, ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं। इस ग्लूकोज का इस्तेमाल पौधे अपने लिए करते हैं, भोजन को स्टोर करने के लिए करते हैं और इस ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, वो एक बाय प्रोडक्ट होता है जो वो अपने सही से बाहर निकालते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग श्वसन क्रिया में करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने पौधों में होने वाले ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिएशन के लिए रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस की साइट्स के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है, और साथ में ये जानेंगे कि पौधे जो है वो भोजन के अलावा भी दूसरे फूड को बनाते हैं, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।